ठीक है, तो विषय तो क्लियर है आज का। मैं विषय एक बार फिर दोहरा देता हूं। विषय है कि हिंदू धर्म में परमात्मा का भी कॉन्सेप्ट है, ईश्वर का भी कॉन्सेप्ट है, देवी देवताओं का भी कॉन्सेप्ट है, जीव का भी कॉन्सेप्ट है, प्रकृति का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें परमात्मा की, ईश्वर की, जीवों की और देवी देवताओं की स्थिति कहाँ पे है और कैसे है? मीन्स ये कंफ्यूजन को दूर किया जाए, आप क्या कहते हैं? देखिए कबीर साहब, आप मेरी आवाज जा रही है? आ रही है। कबीर साहब का एक सूत्र है कि सत्य पुरुष एक बीज है, जी अक्षर एक पेड़ है, जी निरंजन वाकी दार, और तीन देव शाखा भय ये पात रूप संसार। ये उनका एक एक ही जवाब है। ये ठीक साहब ने कहा कि परमात्मा एक बीज है और अक्षर ब्रह्म है, जिसको ईश्वर कहते हैं, जी वह एक पेड़ है, निरंजन जो काल पुरुष है वो डार है सबको, और कहते तीन देव शाखा भय, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों शाखाएं हैं। जी हाँ, संसार में जो कहा गया है कि 33 कोट जो देवता हैं, 33 कोटि माने प्रकार के, 33 करोड़ नहीं, तेतीस तैतीस प्रकार के। कोटि जी हाँ प्रकार, कोटि माने प्रकार, यहाँ शब्द है। तो ये पात रूप संसार है, संसार पत्ते रूप से संसार है। अब समझ लीजिए इसको शरीर के अंदर में, कि एक ये जो हमारा जो है शरीर है, ये क्या है? ये प्रकृति है, शरीर। और ये शरीर ही प्रकृति है, और इसमें रहने वाली आत्मा जो है वो जी अक्षर है, अविनाशी है ना। जी और जो प्राण का जो गमना गमन चल रहा है, इसी से जीवन की काउंटिंग होती है। जो इसको प्राण को वश में कर लिया, वो काल को वश में कर लिया। लेकिन ये प्राण ही क्या कर जीवन की गणना करता है। हाँ, और जो हमारे अंदर जो आनंद की चाह बनी हुई है, जी शांति की, प्रेम की, वही है ईश्वर। उसी को अच्छा। प्राप्त करना है। तो ईश्वर कोई क्रिया साध्य नहीं है, स्वयं साध्य है। क्रिया करके प्रकृति को प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर को नहीं। क्योंकि आदमी कहता है मैं प्रेम करता हूं, जी प्रेम किससे करते हो भाई? आंख से करते हो कि नाक से करते हो कि जिभिया से करते हो? कहता मैं खुद से प्रेम करता हूं तुमको। खुद के द्वारा प्रेम किया जाता है। तो खुद को जानने के लिए जो है ईश्वर की आराधना की जाती है। हमारे शरीर में मिट्टी तत्व की कमी होती है तो हम भोजन खाते हैं, जल तत्व की कमी होती है तो पानी पीते हैं, जी अग्नि तत्व की कमी होती है तो आग का सेवन करते हैं, सूर्य का ताप लेते हैं, बिल्कुल। वायु की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है, खुले वातावरण ले जाया जाता है, और जो आकाश तत्व की कमी होती है तो व्यक्ति गूंगा हो जाता है। ठीक है, लेकिन शांति की जब कमी महसूस होती है जीवन में, आनंद की कमी महसूस होती है, तो क्या करता है? याद करता है, खुद को समर्पण करता है। कहां हमें शांति प्राप्त होगी? हर कीमत देने को तैयार होता है, अपने आप को दे डालने को तैयार होता है। देखिए, शांति कमी कभी किसी को महसूस नहीं होती। जिसको महसूस होती है ना, वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चल देता है। एक समय की बात है कि इंद्रियों में झगड़ा हो गया, आंख ने बोला कि हम नहीं रहेंगे तो तुम संसार नहीं देखोगे, जिभिया ने बोला कि हम नहीं रहेंगे तो संसार का स्वाद नहीं ले पाओगे तुम, कान ने बोला कि हम नहीं रहेंगे तुम बहरे हो जाओगे,
हाथ ने बोला हम नहीं रहेंगे तो तुम कुछ काम के नहीं रहोगे, पैर ने बोला कि हम नहीं रहे तो कहीं जा नहीं सकते हो, तो प्राण ने बोला कि हम तो तुम लड़ो हम ही नहीं रहते हैं, प्राण बोला मैं ही निकल जाता हूं तुम सब अपना अपना काम संभालो। तो उसी तरह ये ईश्वर हमारा प्राण है, इस तरह सभी के लिए प्राण है, उसी तरह ये आत्मा के लिए ईश्वर प्राण है उसका, उसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन में सब कुछ हो अशांति चली जाए तो इंसान आत्महत्या कर लेता है, अपने जीवन को समाप्त कर डालता है। हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, वरना हम रह के करेंगे क्या, सब कुछ है। तो इसी तरह वो शांति जो है उसकी डिमांड कहाँ पूरी होती है, शांति नाम है ईश्वर का, शांति नाम है ईश्वर का, प्रेम नाम है ईश्वर का, आनंद नाम ही है ईश्वर का। सुख शांति को चाहने वाले जानो तो तुम सुख किसका नाम, अब पल पल मन डरता है जिससे, जानो तुम दुख किसका नाम, है ना। तो हम जो शांति शांति करते हैं, आनंद आनंद प्रेम प्रेम करते हैं, लेकिन वो कोई संसार की वस्तु नहीं है, वो खुद का विषय है, प्रेम देने का विषय है। प्रेम देंगे तब प्रेम मिलेगा, तो क्या देंगे, तो खुद को देना पड़ेगा। आदमी जब खुद को भूलता है तब आनंद को प्राप्त करता है, जब खुद को समर्पण करता है तब प्रेम को प्राप्त करता है। तो ये खुद का विषय है शांति, ये सबको प्राप्त नहीं होता। इस विषय में महात्मा बुद्ध की वाणी सुनने की है आप, उनको कितने सुख सुविधा में रखा गया, सब कुछ दिया गया, लेकिन अंत समय में क्या किया उन्होंने, उस सच्ची शांति को तलाश में निकल पड़े। तो शांति किसी की जागीर नहीं है, इसी का नाम ईश्वर है। यही ईश्वर की खोज इंसान करता है जीवन में, जब उसे यह चीज की तलाश होती है। यदि यदि कोई व्यक्ति परमात्मा और ईश्वर, जैसे आपने बताया कबीरदास जी का एक श्लोक, उसमें पेड़ को एक आपने एक उदाहरण बनाया है ना, एक पेड़ को उदाहरण बनाया, ठीक। तो यहाँ पे परमात्मा और ईश्वर, परमात्मा ईश्वर किस हिसाब से वो ईश्वर हुआ, यदि को समझना चाहे साधारण ढंग से, परमात्मा और ईश्वर, ठीक है, मैं डिफरेंस तो नहीं है, तो एक ही तत्व है वो, ठीक है, मरु किन स्थिति में हम ईश्वर कहेंगे और किस स्थिति में उसको परमात्मा कहेंगे। परमात्मा और आत्मा गीता में आया है, एक अक्षर एक परम अक्षर, तो अक्षर अक्षर को ईश्वर कहा गया है यहाँ इन द सेंस, अच्छा, और परमात्मा को परम ईश्वर कहा गया है इन द सेंस। तो ये वो व्यक्ति जानते हैं जो वेदांत को जानने वाले हैं, जिनको ये वेदांत का ज्ञान है वही व्यक्ति जानता है इस चीज को। वेदांत का ज्ञान तो आपको, बाकियों का ज्ञान भी, वेदांत का ज्ञान तो आपको भी है, बताइए। नहीं नहीं, उन्हीं के लिए है जो जानना चाहते वेद के सार को जी, आखिर वेद की उत्पत्ति कैसे हुई जी, वो ये जान सकते हैं तत्व को, क्योंकि वेद का सार क्या है, गीता है। वेद का सार गीता है, तो गीता में ही चीज की चर्चा आई है, अक्षरम परमम ब्रह्मम, वहां अक्षर परम अक्षर की बात आई है। तो यहां कहते हैं यहां पर आत्मा भी अक्षर ही है, अक्षर अविनाशी, लेकिन आत्मा अपने को कब जानती है, जब वो अक्षर ब्रह्म को जानती है। शरीर को तीन भागों में बांटा गया, क्षर अक्षर परमाक्षर, है ना, ओम तत् सत,
इति ब्रह्म निर्देश, कहा गया कि इसी से ब्रह्म का निर्देशन किया जाता है। तो कहते हैं कि क्षर है, अक्षर है, अपरमक्षर है। क्षर क्या है? ये नाशवान संसार है। संसार को चलाने वाला कौन है? अक्षर ब्रह्म है। वो अक्षर को शक्ति कौन देता है? परमक्षर। और उस परमक्षर को बताने वाला कौन है? सदगुरु। सदगुरु एक सत्ता है। कहते हैं कि छह अनादि तत्व हैं, छह अनादि तत्व हैं जी, इनका सब विस्तार रूप गुण और कर्म क्या व्याख्या सकल प्रसार। चेतन चार स्वरूप है, जड़ है एक संसार, जड़ चेतन से अलग है एक बान संसार। कहते हैं कि चार तत्व चेतन है, एक जीव आत्मा, एक अक्षर जो संसार को चला रहा है, जैसे लोहार की निहाई होती है जिस पर वो लोहा को कूटता है, उसी तरह एक अक्षर ब्रह्म है जिस पर सारा संसार संचालित होता है, लेकिन कूटने वाला अलग है ना, तो वही है अक्षर। तो एक है आत्मा, एक है अक्षर, दूसरा है सदगुरु, तीसरा, चौथा है परम अक्षर। परम अक्षर परमात्मा कहा गया जो आनंद स्वरूप है, उसी के पास आनंद है, और उस आनंद से जोड़ने वाला जो सत्ता है, जो अनादि तत्व है, गुरु तत्व है, वह सदगुरु, जो छुड़ावन हार कहा गया है। तो वो सदगुरु ही मुख्य है। आध्यात्मिक आत्मा है, अक्षर गुप्त हो जाता है। कहा गया है कि अक्षर को जो बताने वाला है वो सदगुरु है। इसलिए अक्षर कब आएगा वहां? जब सदगुरु आएगा। अक्षर को ही बताने वाले को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। अक्षर का ज्ञान देने वाले जो देता है वही ब्रह्मविद कहलाता है। अक्षर जो जानता है, अक्षर के जानने की जो प्रक्रिया है उसका नाम ब्रह्म विद्या है। और उसी ब्रह्म विद्या को जानने वाला व्यक्ति दशम द्वार के भेद को जानता है। और उसी दशम द्वार को भेद को जानने वाला व्यक्ति ही इस शरीर के नौ द्वारों को जानता है। ठीक है शैलेंद्र जी, दशम द्वार। हाँ ठीक है, ठीक है, ये तो सारी व्याख्या हो गई शास्त्रों के हिसाब से और कबीर वाणी के हिसाब से। बहुत सारी वाणियां आई हैं, वेदांत भी आया है। ठीक है, अब हम एक शर्मा जी का एक वर्जन ले लेते हैं इसमें कि परमात्मा, ईश्वर और जीवों और देवी देवताओं की क्या स्थिति है। ठीक है, कैसे, क्या पूरा स्वरूप है इसका। ठीक है, किसी दूसरी दृष्टि से। ठीक है शर्मा जी, कुछ बोलिए। मैं क्या बोलूं, बोल नहीं पाऊंगा ना। अच्छा, मैं तो जो शैलेंद्र जी ने बोला है, हाँ, उस विषय पे तो मेरा ज्ञान ही नहीं है इस टाइप का। नहीं, इस पे शैलेंद्र जी ने बोला है अपने शास्त्रों के हिसाब से। शैलेंद्र जी को जो इनके गुरु ने जो ज्ञान दिया है, जो सारी चीजें हैं उन्होंने तो बता दिया उन्होंने। ठीक है, सारी चीजें हैं, एक सत्संग का की जो भाषा है। ठीक है, उस भाषा के हिसाब से, मगर अब योगिक साइंस के हिसाब से है ना, जो आपकी जो दृष्टि है। योगिक साइंस तो शास्त्र के जो अर्थ हैं, शास्त्र के अर्थ, शास्त्र में जो शब्द स्थापित किए गए हैं जिसने भी कह रहे हैं, वो एक ब्रह्मज्ञानी था और ये ब्रह्मज्ञानी रहा, और जो उसकी व्याख्या कर रहे हैं वो ब्रह्मज्ञानी हैं तो ठीक है, और अगर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो शास्त्रों की व्याख्या करना, किसी शब्दों को बहुत सारे शब्द बोल करके और सामने वाले को भ्रमित कर देना, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ है कि ज्ञान, आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते। अगर शैलेंद्र जी ने बोला है कि अगर गीता का ज्ञान है, तो गीता का ही एक श्लोक है जो मैंने कुछ ही दिन पहले ही किसी ने मुझे बताया था कि ज्ञान बहुत सारा, हे अर्जुन, ज्ञान बहुत सारा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान काफी है।
ये कहीं शैलेंद्र जी गीता में लिखा है कहीं? अब तो याद नहीं हमें, आपको आप बताइए श्लोक। नहीं श्लोक तो नहीं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। गीता में तो ये नहीं आया ये चीज। गीता में आई है, गीता में अभी उसको पूर्व जवानी रहती है उसको गीता जिससे मैंने बात कराई थी। अच्छा, उसने बोला ये बाकायदा उसमें लिखा है। नहीं वो तो लास्ट के अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुझे ज्यादा जानने से की क्या जरूरत है, तू मेरी भक्ति कर। नहीं वो तो ठीक है, मगर श्लोक कभी आप पूछ लेना उनसे। अच्छा। उन्होंने बताया कि बहुत ज्ञान की आवश्यकता। देखिए ज्ञान का दो भेद होता है, है? ज्ञान का दो भेद होता है, एक परोक्ष ज्ञान एक अपरोक्ष ज्ञान। जैसे हमको कहीं जाना है, कोई प्राप्त करना है, चाहे किसी कंपनी में कार्य करना है, हमको चाहते हैं उसके स्टेप को पालन करना, तो उसके पहले सिद्धांत को जानना होगा। जब सिद्धांत को नहीं जानेंगे तो हम बढ़ेंगे तो अपना मन से, लेकिन आगे जाकर के रास्ता रुक जाएगा। इसलिए सिद्धांत को प्रथम जानना है। संतों की वाणी है कि ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास। आप प्रथम बोध तत्वन करे अंतर भेद समास। तो अपरोक्ष ज्ञान को जो जानता है असल में वही परोक्ष ज्ञान बता सकता है। जिसने ताजमहल को देखा है वही वाकई बता सकता है कि ताजमहल है कैसा, लगता है चांदनी रात में कैसा, उदाहरण देख देख समझा सकता है। लेकिन जो नहीं जानता है, मैं अपने अपने गुरु से पूछा था कि गुरु जी ये बताइए कि जो सामने वाला वक्ता है वो बोलता है तो वो अनुभवी है कि वाचक ज्ञानी है, क्या पहचान है? तो उन्होंने कहा था, बहुत बड़े क्रिया योगी थे, चले गए, बोले कि उसकी एक ही पहचान है कि जो वो बोलेगा तो उसकी सारी वाणी तेरे हृदय को जाएगी, तुम्हें हृदय में लगती जाएगी, तेरी बुद्धि को समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसकी कही हुई वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। वो कह देगा उसके बाद तो चला तो जाएगा, लेकिन तुम करेगा वही जो कह के गया है। अवाचक ज्ञानी क्या होता है कि बोल तो देगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी खोपड़ी में, लेकिन अमल में नहीं ला सकते हो आप। क्यों? क्योंकि करने की ताकत यहां से आती है, यहां से नहीं होता है। वही जो आत्मा चाहती है, आपके सोचने से हमारे बोलने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये सब ये खोपड़ा जब तक दसम द्वार बंद है तभी तक ये खोपड़ा का ज्ञान काम करता है। यही दसम द्वार खुलता है, हृदय क्षेत्र खुल जाता है, जो अनुभवी होंगे जानते होंगे। दसम द्वार खुलते ही ये हृदय क्षेत्र खुलता है, ब्रह्म नाड़ी यहां से खुलती है, और ब्रह्म नाड़ी से खुलती है उसकी एक एक वाणी अकट्य होती है, वो ब्रह्म वाणी बोलता है, लेकिन उसे समझना आसान नहीं है। नानक साहब की वाणी है, ब्रह्म ज्ञानी की गत कौन पहचाने, कहे नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी ही जाने। इसलिए अध्यात्म विद्या को जब भी चर्चा हो सकती है सिद्धांत ही चर्चा होती है, क्योंकि अनुभव तो उसके वाणी में झलकेगा, अनुभव तो उसके उसके कौन से पता लगते जाएगा, जो अनुभवी होगा वो पकड़ते चला जाएगा। अनुभव कहां नहीं जाता, वो गुप्त है। आप गायकार हैं, गाइएगा तो आप गाने वक्त तो गाइएगा, लेकिन आप हृदय से गा रहे हैं, बाहर से गा रहे हैं, वह वाणी जो टोन निकलेगी तो पता लगने लगेगा कि इस वाणी कहां असर कर रही है। इसी को शब्द का पारखी कहते हैं। जो शब्द का पारखी होते हैं ना, उनको पता होता है कि इसकी वाणी किस केंद्र से आ रही है। यह अंतरण की प्रेरणा से बोल रहा है, बुद्धि के प्रेरणा से बोल रहा है, नहीं बोलता है आदमी फलना व्यक्ति अहंकार में बोल रहा है, क्योंकि अहंकार का टोन है, बुद्धि का भी अलग टोन है, आत्मा की भी धुनी होती है। कोई व्यक्ति आत्मा से बोलेगा या कोई अक्षर ब्रह्म से प्रकट आधार से बोलेगा, सबकी अलग अलग शब्द साधना से पता लग जाती है कि किसकी साधना किस ऊंचाई को प्राप्त की है। ये कौन कह सकता? किसी से किसी ने पूछा, हम कैसे जाने कि आप योगी हैं? उन्होंने कहा कि एक भिखारी क्या किसी करोड़पति को जान सकता है, उसकी औकात कितनी है?
नहीं, जो भी हो जाए तुम भी, तुम्हें जो भी हो जाए पता लग जाएगा, जो कि गति लखे नहीं थी तो गति जान, जो भी देखता कैसे है। गीता में शब्द आया है कि अर्जुन ने पूछा ब्रह्मज्ञानी का भाषा, आखिर ब्रह्मज्ञानी बोलता कैसे है, वो देखता कैसे है, वो चलता कैसे है, भाव रूप से हमेशा चेतन भाव में रहता है वो, तो उसको पकड़ने के लिए आपको भी अनुभवी होना ही पड़ेगा, बिना अनुभवी नहीं पकड़ सकते। कुमारी नहीं जान सकती पतिव्रता की स्थिति को, जो ब्याहता स्त्री है उसको नहीं जान सकती कुमारी, किताब पढ़ लेगी बोल देगी लेकिन वो वाणी असर करने वाली नहीं है। इसी कारण पहले बुजुर्गों से, जो बुजुर्ग हो चुके हैं किसी का घर जो बसाना होता था, किसी को समझाना होता था, उनको बुलाया जाता था, क्यों को वो समझेंगे स्थिति को, उसके दर्द को भी समझेंगे, फिर आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिए अनुभवी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, अनुभवी बताएगा नहीं कि हम अनुभवी हैं, क्यों, अगर वो बता दिया तो अनुभवी है नहीं, वो अनुभवी कभी बताता नहीं कि हम अनुभवी हैं। जो जानकार होते हैं अपने को ज्यादा अनुभवी जाहिर करते हैं। इस संत की वाणी है कि महात्मा कभी नहीं, ज्ञान ही नहीं होता महात्माओं को कि हम महात्मा हैं। अवाचक ज्ञानियों को ये भ्रम हो जाता है कि हम ज्ञानी हैं, क्योंकि महात्मा तो अपने आप में मस्त रहता है, उसको क्या बताने की आवश्यकता है कि महात्मा है, मानो मत मानो। लेकिन वाचक ज्ञानियों को लगा रहता है हो कि हमको महात्मा को नहीं कहेगा तो मेरी प्रतिष्ठा ये भी जाएगी, जो प्रतिष्ठा से ऊपर चला गया वही महान आत्मा होता है, जो मान सम्मान में बंधा वो क्या महात्मा होगा। इसीलिए सिद्धांत पे ही चर्चा होती है, चर्चा सिद्धांत पे ही होती है। आप पकड़िए, आप पकड़िए उसको, कितना पात्र हम लेके आए हैं, चर्चा तो सिद्धांत की होती है। शैलेंद्र जी, ये जो अब बातें आप सब बता रहे हैं, ठीक है, और हम लोग तो समझ रहे हैं, मगर ये जो आम जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो इन सब बातों को कैसे समझेंगे? तो छात्र को लाइए, छात्र को लाइए। छात्र जो बोलेगा नहीं, ये तो रिकॉर्ड जाएगा छात्रों के बीच में, ये तो रिकॉर्ड जाएगा छात्रों के बीच में, जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये सारा रिकॉर्ड जाएगा उनके बीच में, देखते तो उनको कैसे ये सब सारी बातें समझ में आएंगी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, है ना? तो उनके अंदर जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट सत्संगों में तो पेरेंट्स भेजते नहीं है, उनको भेजेंगे नहीं, ठीक है, हो सकता है कि वो उसकी सत्संग की जो एक पद्धति होती है, आपने सिद्धांत की बात की, हो सकता है वो उनको सूट ना करे या फिर वो उस ढांचे में ना ढल पाए, पर मैं यदि ये चाहता हूँ कि यदि कोई छात्र इसको सुने, साधारण आदमी को सुने, तो उसको कुछ मिले, कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो और कुछ उसको, उसके हृदय को भी छुए वो चीज, तो यदि हम साधारण भाषा में एक एक करके इतनी बात वेरीफाई करें तो ज्यादा अच्छा होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जितनी वार्ता हो रही आपसे, हमारी जो वार्ता हो रही है ना जी, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आप, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है, इसको कभी आप स्वयं सुनिएगा, कभी आप अकेले इसको सुनिएगा, जब जो इतना वार्ता हो रही है इसको जब सुनिएगा ना बैठ करके, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितना असर डालेगी वाणी। अभी तो सिर्फ वार्ता हो रही है, हम लोग तो सुने, हम तो लोग तो सुने सुनेंगे, ये छात्र सुनने तो वार्ता, छात्र सुनने चाहिए ना, छात्र सुने चाहिए और भी आगे, उन्हें आगे भी छात्र व्यवहार की भाषा में, कोई छात्र है कोई बुजुर्ग है, ठीक है, सुनिए, व्यवहार की भाषा में कोई छात्र है कोई बुजुर्ग है, कोई नारी है कोई बच्चा है कोई जवान है, है? लेकिन सब आत्मा है, ये बात याद रखिएगा, सबके पास मन है, सबके पास दिल है, सबके पास इंद्रियां हैं, जितनी वार्ता आपसे हो रही है ना, तत्व ज्ञान की वार्ता आपसे हो रही है, तत्व जो होता है ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, तत्व होता है ना प्राणी मात्र के लिए होता है, जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं ना
उनके नजर में कोई बच्चा बूढ़ा कोई नारी या कोई पुरुष कोई धनवान कोई गरीब कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे सूरज कभी नहीं देखता कि गरीब के झोपड़े पर हम प्रकाश नहीं करेंगे अमीर के झोपड़े पर करेंगे, बारिश कभी नहीं देखती कि हम बारिश जो है बरसाएंगे तो महलों में ही बरसाएंगे। यही प्रकृति से शिक्षा लेना होता हम लोगों को, जो प्रकृति को जानता है असल में वही तत्व ज्ञानी होता है। जो प्रकृति चक्र को जानता है, गुरुदेव ने कहा मैं पूर्ण रूप से जानता ब्रह्म चक्र विस्तार, ब्रह्म विद्या गुरु तत्व है सदगुरु कृपा अपार। इसलिए सतेंद्र जी तत्व ज्ञान जो है किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, सभी के लिए होता। वो आपको छात्र नजर आ रहा है उसमें कोई कोई होगा जिज्ञासु, उसमें कोई कोई होगा ज्ञानी होते हैं, हाँ उसमें कोई होगा जो है ना आंतरिक तत्व को जिज्ञासु अंतर तत्व को जानने के लिए इच्छुक हुआ होते। तो आपको नजर आ रहा है छात्र छोटा, लेकिन वे एक जीव है। बिल्कुल, इसी कारण ये तत्व ज्ञान की भाषा जो है सभी के लिए है। कहना तो यही चाहिए जिसको सब साधना जो करता है ना वो बोलना तो दूर चेहरा देखना तो दूर, अगर उसका चिंतन भी कर लेगा ना तो उसके स्वभाव को प्रकट कर लेता है और अपने संकल्प को पहुंचा दिया करता है। क्योंकि आत्मा आत्मा की शक्ति जब दसम द्वार को बंद हुई तभी उसकी शक्ति आंखों के माध्यम से काम करने लगी, जवान से काम करने लगी। आत्मा को इंद्रियों के आधार की आवश्यकता नहीं थी, आत्मा स्वच्छंद आधार से श्रमिक आधार से कहीं भी कार्य कर सकती थी, लेकिन ये पंचपिंजरा में कैद कर दी गई। जैसे किसी कैदी को कैदखाना में कैद कर दिया जाता है, उसकी मजबूरी हो जाती है फाटक से झांकना खिड़की से झांकना, क्योंकि कैदखाना के वो अंदर चला गया। ठीक उसी तरह में काया पिंजरा में हम लोग कैद कर दिए गए हैं, इस कारण हम लोग मजबूर हैं आंख से देखने के लिए, कान से सुनने के लिए, नाक से सुनने के मजबूर हैं। मेरा स्वभाव नहीं, ये प्रकृति का स्वभाव है। लेकिन जो है ये द्वार खुलता है वो व्यक्ति इसके लिए मजबूर नहीं होता है। हमारे जो गुरु जी थे जिससे मिलाए थे हनुमान नगर, एक घटना उनके साथ में कि एक गुरु बहन गई थी उनके पास में, वो बोली कि मेरी एक जो है फुआ की बेटी है वो बहुत बीमार है, अब गुरुजी बचेगी नहीं। तो गुरुजी आंख बंद किए कहे कि नहीं अभी तो बहुत लंबी आयु उसके, अभी तो उसको रहना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, वो इंग्लैंड में थी, आई एक महीना बाद गुरुजी को मिलाने के लिए ले आई, मैं मिलाऊंगा आपसे कभी, लाई तो इनका पैर पकड़ ली तो बोली कि अरे यही तो थे, इनको जानती हो तुम, हाँ हम बेड पर पड़े हुए थे, ये धोती कुर्ता पहन के पहुंचे, हमारे सर पर हाथ धरे, कहे बेटी तुम घबराओ नहीं अभी तुम रहेगी, आ कहे माथा सहलाया और फिर चल दिए वहां से। तब लोग जाना कि ये जो थे इंग्लैंड भी पहुंच जाते थे, ना तक कोई ना जानता था उनको। साधारण कहते थे हमसे कभी मिलते थे कि बेटा हमको कौन जानेगा, हम पूजा पाठ भी करते हैं, हम तो लाला जी के परिवार में पैदा हुए, और कहते थे कि हमको कोई जानेगा नहीं जानेगा। हमारे भाई कहते तुमको कौन जानेगा कि तुम मेरा गुरु भाई है, हमको कहते थे मेरे गुरु थे इस जन्म में, कहते तुमको कौन जानेगा तुम मेरा गुरु भाई है। हमारी एक जन्म की घटना सुनाने लगे, अब बोले कि तुम हर जन्म में ऐसा ही था। तो कहने का मतलब है कि आप बाहर की बौद्धिक आधार से या इंद्रिय ज्ञान के आधार से तत्व ज्ञान नहीं नापा जाता, यहां से नापा जाता है। इसीलिए जितनी वाणी आप सुन रहे हैं हमसे वार्ता हो रही है, चूंकि आपकी जिज्ञासा थी, इस जितनी वार्ता हो रही है हमारे आप में, इसको कभी आप खुद सुनिएगा, आप फिर देखिएगा कि ये वाणी कहाँ हमको असर डालती है, कहाँ कहाँ मेरे स्वभाव को असर डाल रही है, पता आपको लग जाएगा कि जब हमको खुद प्रभावित करती है वाणी तो औरों को कितना करेगी। तो इंसान दूसरे को न जज करे, खुद को जांच ले। अगर हम आपको कहते हैं कि सत्येंद्र जी आप बहुत बुद्धिमान हैं,
तो वह पारख मेरे पास थी, तभी हमने कहा कि आप बुद्धिमान हैं। क्या था, मैं भी बुद्धिमान हूं तभी आपको पहचाना। अगर मैं आपको कह दूं यार आप तो जो है खाली तर्क करते हैं, इसका मतलब मेरे पास तर्क भरपूर भरा हुआ है, उसी तर्क के आधार पर हमने जांच किया कि ये भी तर्की के है, ठीक ना। तो खुद को जानता है व्यक्ति, ऊपर ब्रह्मांड को जानता है, क्योंकि परमात्मा ने 5 तत्व से पूरा संसार को रचा, आप 5 तत्व सबका शरीर भी रचा, जो शरीर को जानता है वो संसार को जानता है, जो खुद की आत्मा को जानता है संसार के प्राणी मात्र को जानता है ना। डॉक्टर एक ही शरीर का इलाज करता है, एक ही शरीर को चिड़फाड़ करता है और सारे शरीर को चिड़फाड़ करके इलाज करता है, इसे ना ये तत्व सब तत्व ज्ञान है। पानी यहां का हो या विदेश का हो, उसका काम है प्यास बुझाना, स्वाद देना, काम उसका है। इसी तरह इसे तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान अंतर्मुखी साधना का विषय है, बाहर का नहीं। उम्मीद है कि छात्रों को समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई है, और हालांकि मैं इस चर्चा को कुछ और भी मोड़ देना चाहता था, वो अगले वार्ता में हम करेंगे, ठीक है। इसको दूसरे ढंग से भी हम करेंगे, ठीक है, और उसका विषय भी मैं बताऊंगा आपको, और फिर जैसा होगा फिर आगे चर्चा होगी। अभी आप व्यक्तिगत हमसे चर्चा कीजिएगा, अब फिर जूम पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है चंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार।